लगभग सभी लोग ये बात जानते हैं कि सत्यवती हस्तिनापुर के सम्राट महाराज शांतनु की पत्नी थीं, पर यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सत्यवती के राजा शांतनु से विवाह करने से पूर्व उन्हें एक पुत्र भी था। उन्होंने ऋषि पराशर के साथ संयोग किया था। क्या है सारी घटना, कैसे हुआ था सत्यवती और ऋषि पराशर के बीच संयोग, आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सत्यवती मछुआरों के प्रमुख की कन्या थीं और यमुना नदी में नाव चलाकर लोगों को यमुना पार कराया करती थीं। एक बार ऋषि पराशर यमुना पार करने के लिए सत्यवती की नाव में बैठे। सत्यवती बहुत ही सुंदर थीं, उनके रूप को देखकर ऋषि पराशर उन पर मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने सत्यवती से कहा कि वो उनके रूप पर आसक्त हो गए हैं और उनसे प्रेम करना चाहते हैं। इस पर सत्यवती ने कहा, ऋषिवर आप ब्रह्मज्ञानी हैं, महान तपस्वी हैं और मैं साधारण मछुआरे की कन्या हूँ, हम दोनों का मिलन कतई संभव नहीं है। इस पर ऋषि पराशर नहीं माने, वो बार बार प्रणय निवेदन करने लगे। इस पर सत्यवती ने उनके सामने तीन शर्तें रख दी और कहा, यदि आप हमारी इन शर्तों को पूरा कर सकें तो ही मैं आपके साथ प्रेम कर सकती हूँ। सत्यवती की पहली शर्त ये थी कि उनके और ऋषि पराशर के मिलन को कोई भी देख ना सके। ऋषि ने ये बात मान ली और अपनी तपोबल से चारों तरफ घना कोहरा कर दिया। सत्यवती ने दूसरी शर्त ये रखी, ऋषिवर अपने तपोबल से उनको मछली जैसी जो बदबू उनके शरीर से आती है उससे मुक्ति दे दें। आपको बता दें कि सत्यवती का जन्म मछली के गर्भ से हुआ था, तो उनके शरीर से मछली जैसी दुर्गंध आती थी, इसीलिए उनका नाम मत्स्यगंधा भी था। ऋषि ने उनकी शर्त मान ली और उनकी मछली जैसी दुर्गंध को सुगंध में बदल दिया, जो कि बहुत दूर तक फैल गई। अब सत्यवती ने तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त ऋषिवर के सामने रखी। उन्होंने कहा कि ऋषिवर, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं कुंवारी हूँ और किसी भी मूल्य पर विवाह से पूर्व मैं अपना कौमार्य नहीं खोना चाहती, तो क्या आप संयोग के पश्चात मेरा कौमार्य मुझे वापस कर पाएंगे? ऋषिवर ने ये शर्त भी मान ली और कहा, हम दोनों के मिलन से जो संतान जन्म लेगी वो बहुत ही तेजस्वी होगी और उसके जन्म लेने के पश्चात मेरे तपोबल के कारण तुम्हारा कौमार्य तुम्हें वापस मिल जाएगा, तुम्हारा कौमार्य अक्षुण्ण रहेगा। ऋषि द्वारा सभी शर्तों को मान लेने के पश्चात सत्यवती उनसे संयोग के लिए तैयार हो गई और दोनों के संयोग से जो संतान जन्म ली उसका नाम महर्षि वेदव्यास हुआ। सत्यवती का विवाह जब राजा शांतनु के साथ हुआ तो उन्होंने बाद में परिवार को अपने पुत्र वेदव्यास के बारे में बता दिया, इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी माता सत्यवती के कहने पर कुरुवंश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वेदव्यास जी ने ही महाभारत की रचना भी की है।